बात 2.5 करोड़ के कमल निवास की। संगम नगरी प्रयागराज भाजपा का नया दफ्तर तैयार हुआ है, जिसकी लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। करीब 600 स्क्वायर गज में बना यह दफ्तर हाईटेक सुविधाओं से लैस है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी इस दफ्तर को 3 जिलों और वॉर रूम के तौर पर इस्तेमाल करेगी। कैसा है यह दफ्तर और क्या है इसमें खास, इस रिपोर्ट से जानिए। ये किसी फिल्म का सेट नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का कार्यालय है, जो संगम नगरी प्रयागराज के पौश इलाके सिविल लाइंस में उस जगह पर बनाया गया है जहां पिछले 22 सालों से किराए की जगह पर कामकाज चल रहा था। अब इस दफ्तर का उद्घाटन 28 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उसी दिन वाराणसी के नए दफ्तर का भी उद्घाटन होना है। आपको बता दें कि ये दफ्तर बनाने के लिए भाजपा ने 400 गज जमीन खरीदी है, जबकि 200 गज जगह जमीन के मालिक विपुल कुमार ने पार्टी को दान दी है। प्रयागराज में बने भाजपा के इस आलिशान दफ्तर की बात करें तो इसमें आईटी सेल को अलग जगह दी गई है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान वॉर रूम बनाने की जगह सबसे ऊपरी मंजिल पर रिजर्व रखी गई है। दफ्तर 5 मंजिला है, इसलिए इसमें एक लिफ्ट भी लगाई गई है। साथ ही इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल रूम और सोशल मीडिया रूम के साथ ही पूरे दफ्तर को पेपरलेस बनाने की तैयारी की गई। भारतीय जनता पार्टी ने संगम नगरी प्रयागराज में अपना नया दफ्तर तैयार किया है। ये दफ्तर शहर के पौश इलाके सिविल लाइंस में है और ये 5 मंजिला दफ्तर बेहद कम समय में बनकर तैयार हुआ है। तकरीबन 18 से 19 महीने की अवधि में ही ये दफ्तर इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। हाईटेक सुविधाओं से लैस ये दफ्तर है। तकरीबन 600 वर्ग गज एरिए में ये दफ्तर तैयार किया गया है। इसमें 5 मंजिले हैं। नीचे जो सबसे नीचे की जगह आप देख रहे हैं, ये महानगर का कार्यालय होगा। ऊपर की जो मंजिल है, उस मंजिल पर गंगा पार और यमुना पार का कार्यालय है। उसके ऊपर की मंजिल जो है वो कॉन्फ्रेंस रूम है। तकरीबन 250 से 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसमें मीटिंग हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। चौथी जो मंजिल है वो गेस्ट रूम है। दफ्तर कितना आलिशान और हाईटेक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके हर एक कमरे में AC और TV लगा हुआ है। साथ ही पदाधिकारियों और कर्मचारियों के आराम करने के लिए और बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए गेस्ट रूम भी बनाया गया है। 5 मंजिला इस दफ्तर में बेसमेंट पर महानगर का कार्यालय होगा। वहीं जिस तरीके से प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है, ठीक उसी तर्ज पर इस दफ्तर में पहली मंजिल पर गंगा पार का और दूसरी मंजिल पर यमुना पार का दफ्तर होगा। जी, ये कार्यालय 600 वर्ग गज में बना हुआ है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पहले से था और वो एज अ किराएदार के रूप में काम कर रहा था। मैं इसका मकान मालिक था और माननीय सुनील बंसल जी और माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पर मैंने इसमें 200 वर्ग गज जगह दान स्वरूप भेंट की है भारतीय जनता पार्टी को। आपको बता दें कि भाजपा हर शहर में अपना कार्यालय बना रही है, जिसको लेकर विपक्ष निशाना साधता रहा है। पर भाजपा की माने तो ये दफ्तर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए बनाए हैं, जहां बैठकर पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की परेशानी को दूर कर सके। भारतीय जनता पार्टी एक सोच है, एक विचार है। जिस प्रकार से अन्य कार्यालयों में गतिविधियां चलती है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जनता की सेवा में तत्पर रहे और कार्यक्रम लगातार चलता रहे। इस कार्यालय में हमारे बड़े मीटिंग हॉल हैं। मौजूदा वक्त में भाजपा देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सदस्यों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। यही वजह है कि पार्टी हर जिले, हर शहर में अपना दफ्तर बना रही है, जिसकी शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से हुई और अब हर शहर में नए दफ्तर बनाए जा रहे हैं। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।